तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ और ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको सरकारी नेटवर्क की वेबसाइट मिल जाती है, आपको यहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा SC BC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022। तो ये काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग हो चुकी है 18/11/2021 से, और वहीं जो इसकी लास्ट डेट है 15/2/2022 रखी गई है। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपडेट करके बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं एक अपडेट बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से समझा सकूँ। बात करें यहाँ पर कोई फ़ीस ली जाएगी आपसे? जी हाँ, कोई फ़ीस भी नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी SC और BC, यहाँ पर दो कैटेगरी मिलती हैं SC और BC आपको यहाँ पर, यानी कि ये दो कैटेगरी अप्लाई कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। वहीं हम बात करें फैमिली इनकम की, तो लेस देन और इक्वल 2,50,000 रुपये, यानी कि इससे लेस देन होनी चाहिए। वहीं हम बात करें डोमिसाइल की, तो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए और उसी के साथ साथ 75% अटेंडेंस होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, यानी कि जो भी कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है उसकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर, आधार कार्ड कॉपी और वहीं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th सर्टिफिकेट, उसी के साथ साथ परिवार पहचान पत्र, फीस रिसिप्ट, अदरवाइज लास्ट ये जो भी आप चल रहा है वो सेम आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप BA कर रहे हैं तो BA की एक्सेप्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा, BPL सर्टिफिकेट, या फिर आप यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे आप लोग, तो रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर तरीका है वो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने फैमिली आईडी बना रखी है ना, जब ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, आपकी फैमिली आईडी ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप लोगों की फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है तो आप एक बार जाके आराम से बिल्कुल कैफ़े पे बनवा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, करीबन 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी होगी, तो जैसे आप लोग फैमिली आईडी डालोगे, आपको यहाँ पर फैमिली आईडी डालने के बाद आपका नाम आ जाएगा, यानी कि पूरा परिवार आ जाएगा आपका। अब आपका अपना नाम चूज करना है जब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर फैमिली आईडी डालने को मिलता है और आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे बिल्कुल सेम। तो गाइस, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर